आपसे पहले से होता ना काम, जैसे तुमने एंटर इंसाफ करो हमारे साथ। क्या मांगते हैं हम, क्या मांगते हैं हम, क्या मांगते हैं इक्वल वर्क एसोसिएशन, हम क्या मांगते हम क्या ऑल जे एन के वीएलडब्ल्यू एसोसिएशन, हम क्या मांगते हम क्या मांगते इक्वल वर्क इक्वल पे ताजे मुलाजमी जिंदाबाद। हमारी डिग्निटी को बहाल करो, बहाल करो इक्वल वर्क इक्वल पे अनुरुद्ध सिंह हूँ, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर यूटी, ऑल जम्मू एंड कश्मीर जो पंचायत सेक्रेटरीज वीएलडब्ल्यूज एसोसिएशन है उसका। तो बात ऐसे है कि आज का दिन जो 10 अगस्त का दिन है, तो आज कश्मीर डिवीज़न के सभी पंचायत सेक्रेटरीज खासकर वीएलडब्ल्यूज और कुछ एमपीडब्ल्यूज जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से आए हुए हैं, उन लोगों ने मिलकर जहाँ पर डायरेक्टर ऑफिस कश्मीर लाल मंडी में एक रोज़ा पेन डाउन स्ट्राइक रखी हुई है। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, जम्मू से भी बता चुके हैं, माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय को भी लिखा हुआ है, माननीय पीएमओ ऑफिस में भी हम भेज चुके हैं कि हमारे चार मुतालबे हैं, चार इश्यूज़ हैं जो बार बार हमने इनको बताया, लेकिन बार बार बताने के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसमें से तीन इशूज़ इम्पॉर्टेंट इशूज़ हैं हमारे, जिसमें सबसे पहला है पे पैरिटी को रिमूव करना। जो वीएलडब्ल्यू की पे पैरिटी है, ये सबसे पुरानी पे पैरिटी बनती है। 1958 में नायब तहसीलदार और पंचायत सेक्रेटरी का ग्रेड सेम हुआ करता था, लेकिन आज हम इस मुकाम पर इस सरकार ने हमें पहुंचा दिया है कि जो पंचायत सेक्रेटरी का ग्रेड है उसको पटवारी महोदय से भी नीचे कर दिया हुआ है। देखें, आज ये फाइनल अल्टीमेटम है सरकार को हमारी तरफ से, हमने चीफ सेक्रेटरी महोदय को लिखा हुआ है और हम अल्टीमेटम देने आए हैं आज गवर्नमेंट को। एक तो बेसिक जो ग्रेड पे है उसकी जो फाइल दो साल से आपने बंद की है उसको चला दीजिए। नंबर दो, जो डीपीसी आपने बंद की हुई है गैर कानूनी तरीके से। सभी साथियों ने कहा है कि पेन डाउन स्ट्राइक होगी, लेकिन कितना टाइम गवर्नमेंट को दिया जाएगा अभी उसका फैसला नहीं हुआ है। अलबत्ता आज से पेन डाउन थी, लेकिन उसको मुअत्तल किया गया है 15 अगस्त तक, क्योंकि 15 अगस्त का समय इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, इसलिए सभी ने उसको मुअत्तल किया है। उसके बाद ये फैसला हुआ है कि कभी भी जो आज फैसला होगा उसके बाद पेन डाउन स्ट्राइक शुरू होगी ही होगी। हमें इंसाफ या तो खुदा देता है या तो उसके बाद हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट देता है, जिसकी हम हर एक इज्जत करते हैं। लेकिन क्या ये आपको जिस तरह सब बोलते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, क्या ये हाईकोर्ट की ये नहीं बनती है जिम्मेदारी कि अगर हम वहाँ पे केस जीतते हैं उस केस का जो ऑर्डर वो निकालते हैं हमारे फेवर में, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उस ऑर्डर का क्या बनता है? ये आपके वसादत समय ऑनरेबल हाईकोर्ट को जहाँ पे वो सबसे बड़ा ऑफिसर जो जहाँ पे बैठा है, मैं उसे गुजारिश करता हूँ कि वो एक कमीशन बनाए कि वो देखे कि हमारे ऑर्डर को क्या होता है सरकारी दफ्तरों में। अगर हम ऑर्डर निकालते हैं क्यों हम कंटेम्प्ट करें, क्यों हम और वक्त जाया करें? आपको पता है कि हम खून पसीना लगाया हमने केस जीतने में, हमने केस जीता, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के अपने ऑनरेबल हाईकोर्ट से कि एक कमीशन बनाया जाए ताकि वो देखे कि हमारे ऑर्डरों को क्या होता है सरकारी ऑफिस।